हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 11 का यूनिट 1 का चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड वो होता है कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2 विच इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये आगे चलने के लिए फिजिक्स में एक बेसिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लिखिए इसमें फर्स्ट टॉपिक आएगा इसमें आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, इसको समझते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। अगर मैं नेचर की बात कर रहा हूं तो नेचर में दो चीजें, या तो मैटर या तो एनर्जी। अब ये मैटर एनर्जी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो किसी में ज्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं। और जिन प्रॉपर्टीज को मेजर किया जा सके और जिनसे फिजिक्स के लॉज एक्सप्लेन किए जा सके, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसको कुछ ऐसे समझिए, मेरे पास एक मार्कर है और एक स्ट्रॉ है। तो मैंने कहा ये जो स्ट्रॉ है ये इस मार्कर के कंपैरिजन में लार्ज है और ये मार्कर इस स्ट्रॉ के कंपैरिजन में स्मॉल है। तो ये प्रॉपर्टी लार्ज होना स्मॉल होना, इस प्रॉपर्टी को हमने नेम दिया लेंथ। इसको मेजर भी किया जा सकता है, ये इतना है ये इतना है। मैंने इसको ऐसे रखा, मैंने कहा ये थोड़ा हल्का है, लेकिन जब मैंने मार्कर अपने हैंड में पुट किया ये मैंने कहा थोड़ा भारी है। इस प्रॉपर्टी को भी मेजर किया जा सकता है और इसका नेम हमने दिया मास। ऐसे ही मैंने कहा ये थोड़ा ठंडा है, ये मार्कर थोड़ा गर्म है, इसको भी मेजर किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी का मैंने नेम रखा टेम्परेचर। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? सो फिजिकल क्वांटिटीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड। इसको ध्यान में रखना, विच कैन बी मेजर्ड, जिनको मेजर किया जा सके, एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, और जिनसे फिजिक्स के लॉज एक्सप्लेन किए जा सके उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर किया जा सकता है। मास इज अगेन फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को भी मेजर किया जा सकता है, इट इज अगेन फिजिकल क्वांटिटी। और भी हम आगे देखेंगे एक्सेप्ट। अब अगर बात करें इमोशंस की, हैप्पीनेस, एंगर, कौन कितना खुश है क्या इसको मेजर किया जा सकता है, कौन कितना हैप्पी है क्या इसको मेजर किया जा सकता है, नहीं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कौन कितना गुस्से में है क्या इसको मेजर किया जा सकता है, नहीं। तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी? जिनको मेजर किया जा सके और जिनसे फिजिक्स के लॉज एक्सप्लेन किए जा सके। एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, ये अपने को क्लियर होता है। अब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती हैं, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से हैं वो टू टाइप्स? तो वो टू टाइप्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की, फंडामेंटल, इसको बेसिक भी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज क्या होती हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। इसको थोड़ा समझते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, और इन क्वांटिटीज को दूसरी क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे समझिए, ये मार्कर और ये स्ट्रॉ, लेंथ किसका लार्ज है? स्ट्रॉ का। लेकिन मास किसका लार्ज है? मार्कर का। क्या लेंथ ज्यादा होना यह बता रहा है कि मास भी ज्यादा होगा? नहीं। तो लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मास के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, लेंथ और मास का कोई रिलेशन नहीं है। लेंथ किसका लार्ज है? स्ट्रॉ का। लेकिन मास किसका लार्ज है? मार्कर का। वैसे ही टेम्परेचर किसका लार्ज होगा? वो तो डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है। तो टेम्परेचर की बात करें, ये लेंथ की बात करें, या मास की बात करें, या और भी हम देखेंगे अभी, ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, और इनको दूसरी क्वांटिटी के टर्म्स में
एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो हमने देखा ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको दूसरे के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो कौन सी हैं? वो 7 क्वांटिटीज जब हमने स्टडी की तो वो 7 बनी। वो 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? वो है लेंथ, मास, टाइम, ये सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को भी लेंथ, मास, टाइम इनके टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुई कि कौन कितना शाइन कर रहा है, जैसे बोर्ड कितना लाइट दे रहा है, बल्ब से कितना लाइट आ रही है, दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड 7th वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर, इसको मोल में एक्सप्रेस करते हैं या हम आगे स्टडी करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनको एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर जब आगे रिसर्च हुई तो पता चला इन सेवन के अलावा 2 और भी हैं जिनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा गया, और वो 2 कौन सी हैं? वो अलग से हमको मिली हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अभी प्लेन एंगल क्या हुआ? 2 लाइंस हैं, ये और ये, इन 2 लाइंस के बिटवीन इंक्लिनेशन कितना है, दिस इज प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल एक कोन, कोन का जो अंदर एंगल बनता है, यहां पर हमारे पास कोन है, उसके अंदर जो एंगल बनता है, दिस इज सॉलिड एंगल। ये सब हम आगे स्टडी करने वाले हैं। लेकिन फिर से फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिन प्रॉपर्टीज को, जिन नेचर की जिन प्रॉपर्टीज को मेजर किया जा सके और इनसे फिजिक्स के लॉज एक्सप्लेन किए जा सके, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? जो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे लेंथ कितनी होती है? 7 हमारे पास हैं, इसके अलावा 2 और, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखिए, फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा दोनों में। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव की जाती हैं। जैसे हमारे पास है स्पीड, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस लेंथ ही तो है, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। तो ये स्पीड जो क्वांटिटी है, ये स्पीड जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस और टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो स्पीड कहां से लेके आए हम? तो स्पीड हमने डिराइव की है फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो ये स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसके अलावा मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है? मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी स्पीड। तो ये मोमेंटम भी कहां से लेके आए हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से इसको निकाला है, सो इट इज अगेन डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके अलावा फोर्स की बात करें, फोर्स इट इज अगेन डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेसिक समझिए, फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे लेंथ मास के इंडिपेंडेंट है, लेंथ ज्यादा हो मास ज्यादा हो जरूरी नहीं, टाइम लेंथ मास के इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इन सब के इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक करंट इनके इंडिपेंडेंट है, कौन कितना साइन करेगा ये सब इनके इंडिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो मोल होता है जो हम आगे स्टडी करेंगे, ये सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है और इनको एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, सो दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करके लेके आते हैं, लाइक स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये आपको समझना जरूरी है, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? एंगर, हैप्पीनेस, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। इसके अलावा फीवर की बात करें, फीवर भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। किसी की तबीयत कितनी खराब हो गई कि आप इसको मेजर कर सकते हैं? यस सर, इसको मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर से, लेकिन थर्मामीटर से आप क्या मेजर करते हैं? फीवर या टेम्परेचर। तो फीवर आप थर्मामीटर से आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, फीवर नहीं। तो फीवर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज।
इसके नोट्स बनाइए, इनको स्टडी करिए. दैट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.